जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब इंटीजर जो है वो तीन नंबर का कॉम्बिनेशन है, तीन नंबर का। देखिए तीन नंबर का कॉम्बिनेशन है, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, और तीसरा जो है वो है जीरो। अब इस पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो का मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस, निगेटिव का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, और जीरो का मतलब होता है जीरो यानी आप लोग तो जानते हैं जीरो अंडा जीरो। हो गया एक जीरो हो गया। इसके बाद हम लोग इसका कुछ एग्जांपल समझते हैं। देखिए पॉजिटिव का हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव यानी प्लस वन, प्लस टू, या डायरेक्ट थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी लिख सकते हैं, और ये इन्फाइनाइट तक जाता है। अब यहाँ पर प्लस लगाएं या ना लगाएं बात वही रहता है, क्योंकि इस नंबर के पीछे प्लस जो है वो छुपा रहता है। अब निगेटिव का बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। इसमें डायरेक्ट नहीं लिखेंगे फाइव सिक्स ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें लगाना है माइनस। सिर्फ इसी में हम लोग प्लस लगा सकते हैं या अभी नहीं लगा सकते, और इनफाइनाइट तक चले जाएगा। अब जीरो का बात करें, इसका एग्जांपल हो जाएगा जीरो। इसका एग्जांपल हम कोई हो ही नहीं सकता है, मतलब कि जीरो जीरो ही रहते हैं यहाँ पर, जीरो से फिर। अब हम लोग कुछ नंबर लाइन के मार से हम लोग इस इंटीजर यानी पूर्णांक को और गहराई से जानने का कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने लाइन खींचा खींच दिया, ये मेरा मतलब कि आएगा ना एग्ज़ाम में, ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ इसको। यहाँ पर मैंने लाइन खींचा और यहाँ पर बीच में लाइन खींचा, यहाँ पर यही ज़ीरो मैं यहाँ पर डाल दूँ ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, हो गया। अब इसके ज़ीरो के जो इधर वाला जो है साइड, इसको हम लोग कहते हैं राइट साइड। राइट साइड, अब इसके इधर वाला जो साइड है उसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड इसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट साइड। अब ये जो राइट साइड है इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस वन, प्लस टू, या थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके इधर वाला जो साइड है इसको हम लोग लिखेंगे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, माइनस एट, माइनस नाइन, माइनस टेन। इतना बात आप समझ गए, ये समझ गए तो आगे का इंटीजर जो सीखना है बहुत ही आसान है। अब हम लोग इसके जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन सीखेंगे जो इंटीजर को बनाने में और भी आसान कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है इस वीडियो को देख के बताइएगा कमेंट में कैसा लगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।